अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो यार, आज का सीन तो आपको पता ही है कि ईद का फर्स्ट डे है। यार आज का डे नंबर वन है, तो आपको पता ही है कि ब्लॉग जोरों शोर सब दिन जारी चल रही थी। पेपर की वजह से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, तो सॉरी यार, गला थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। सो के उठाना अभी अभी रात में थोड़ा लेट सो, तो इस वजह से गले का थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है। ठंडा पानी पी लिया था हमने। तो बकाया सीन कुछ यूँ है कि अभी नमाज़ पढ़ने में रह गया है आधा घंटा, तो अभी सूट इसलिए करवा के रखा है, नहाने जाना है, उसके बाद सीधे नमाज़ पढ़ने चलते हैं। आपको दिखाते हैं, पहले आप सूट देख लो, फिर चलते हैं नहाने। सीधे ये सूट जो है आज मैंने डन करवा दिया है। Few minutes later. हाँ जी, सो नहा दो के चेंज वगैरह जो मैंने कपड़े कर लिए हैं, तो अभी थोड़ा सा मतलब परफ्यूम घड़ी वगैरह लगा के सीधे नमाज पढ़ने चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव लेट। तो अभी कपड़े जो चेंज कर लिए हैं, उसकी वजह क्या है? बार बारिश, तूफानी बारिश। अभी नमाज पढ़ के आगे एक सेकंड खड़ा हुआ नीचे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज बस जली जली भाग के अंदर आया और चेंज करा। फिर अभी थोड़ा छत पे काम था, इस वजह से गीला हो चुका हूँ। तो यार अभी का सीन ये था कि कब्रिस्तान जाना था, उसको पोकर जाना था, वो थोड़ा डिले हो जाएगा। तो अभी नाश्ता करना है, भूख भी नहीं लग रही। नमाज़ पढ़ के आ गया था सीधा घर, आके बैठा लोगों दोस्तों को ईद वगैरह थोड़ी मिली, तो आज एक थोड़ा छोटा सा प्लान था ब्लॉग का, वो देखो अब डिले होता है या कैंसिल होता है। बताया आज के ब्लॉग तो बनना ही है यार, अच्छा बनना है, जैसा भी बनना है आप लोगों ने इसको इंजॉय करके इसमें चार चांद लगा देना यार। आप लोग समझ रहे हो, आपको अच्छा बनाते हो। बका मेरा ब्लॉग जो बस ऐसे ही होता है, ठीक है? आप ऑडियंस ही होते जो लाइक सब्सक्राइब करते हो, तो मेरा चैनल और ब्लॉग जो है पता चले। हाँ, तो अभी जो मैंने आप लोगों को कहा था कि सीन वगैरह है, उसके लिए मुझे चाहिए थे खाना, तो मैं अभी खानसा के पास आ चुका हूँ। तो यूज़ करते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं दोस्त के पास, वो हमारा वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर बाद मुझे ये है ना जो पसंद आई है और मैंने ले लिए। तो यार खान मान नहीं रहता, बड़ी मुश्किलों से बार्गेनिंग कर करके ना इसे मनाया है, कहता 250 रुपये की आना, जहाँ कैमरा बंदा ऑन करे वहाँ पर इनके रेट हाई हो जाता है। आगे ऐसे तो नहीं होता है, बार्गेनिंग के बाद ले लिए। चलो अब चलते हैं यार, दोस्त इंतज़ार कर रहा, फ़ोन भी कर रहा है, चलते हैं अब सीधा वहीं पर मिलते हैं। हाँ सो यार, अब हम लोग अपनी जो प्लेस थी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और फ्रेंड भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। फ्रेंड नहीं से भाई कह सकते हैं। और भाई कैसे हो? कोई बात करनी है तो आप सबको ईद मुबारक फर्स्ट ऑफ ऑल। और यार ईद मुबारक से याद है, मैं तो आप सबको ईद मुबारक का ही नहीं, ईद मुबारक ये अपना भाई है, सारे अच्छे भले सारे कम फर्स्ट ऑफ समझ रहे हो, बकाया साथ होते अपने सारे, अच्छा भाई है ये अपने साथ ये रहे, 9 में 10th में और फर्स्ट ईयर में है ना, बकाया ज़िंदगी रही तो चलते रहेंगे साथ, अल्लाह खैर करे। हम लोग दोस्त नहीं, क्लास वालों नहीं, भाई हम लोग बाहर मतलब मिलते रहते हैं ज़्यादातर, ऐसे ही है भाई ऐसे। हमारा ना क्योंकि मतलब एक गैंग टाइप बना हुआ है दो चार दोस्तों का, तो अभी चलते हैं एक प्लेस जो मैंने सेलेक्ट करनी होती है फ़ोटो के लिए मतलब ना, तो वो सेलेक्ट करते हैं, फिर आपको वहाँ पर जाके मिलते हैं। हाँ तो गाइस, थोड़ा बहुत शूट जो है अपना मतलब डन हो चुका है, बकाया अभी जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। पहली लोकेशन पे मतलब दो चार तस्वीरें जो अच्छी आई हैं खींची, तो वैसे 50 हैं, इन दो जो है वो मुझे पसंद आई हैं। बकाया जो आपकी तस्वीरें वगैरह ना, वो आपको इंस्टाग्राम पे जो है मिल जाएंगी, आईडी आपको यहाँ पे मेंशन हो रही है, तो यार इधर भी जाकर मुझे फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो आपको सारी तस्वीरें मेरी इधर मिलेंगी। तो आप दूसरी प्लेस की तरफ जा रहे हैं, और बड़ी मुश्किलों से जाके मिले। सीन कुछ यूँ है कि अहमद कह रहा है मैं कुछ मतलब पोज वगैरह देख के आया हूँ कुर्सी वाले, ऐसे ही है? तो वो कहता है कि ना आप कुर्सी लेते हैं, तो यहाँ पे कुर्सी रखी हुई थी हमने उठा ली, तो अब शूट कर रहे हैं उसका, तो ये हमें मिल गई एक अदद कुर्सी, तो बकाया इसके ऊपर ना तस्वीरें खींचते हैं, वो भी आपको इस अकाउंट में मिलेगी जो मैंने आपको पहले दिखाया था।
तो आपका सीन कुछ यूं है, क्या तस्वीरें क्लिक कर दें। Six and a half hours later. हाँ जी यार, सो हाँ सो अभी का सीन कुछ यूं है यार, मैं थोड़ा मतलब हाँ सो यार अभी का सीन कुछ यूं है कि मैं अभी थोड़ा रिलैक्स भी कर रहा था और दो चार काम भी थे। ये देखे कपड़े वगैरह गंदे हो चुके हैं, तो कोई नहीं, इसे इग्नोर करो, अभी काम करने गया हुआ था। मुँह भी हला, देखो यार अभी नहा धो के फिर तैयार होते हैं, तो अभी फुक्को की वजह से घर में, तो अभी तो उस टाइम पप्पो के घर इस वजह से नहीं गया था क्योंकि वो मतलब दोपहर का टाइम होता है, किसी कुर्बानी होती है या कोई सो रहा होता है, तो मैंने कहा रात को आराम से मतलब फ्रेश होके तो जाएंगे। तो मैं सो इस वजह से गया था यार, मेरा गला भी मतलब सेट हो जाए और मैं आपके लिए फुल एनर्जी वाला एक व्लॉग बना सकूँ, ठीक है। हाँ तो अभी थोड़ा कोऑपरेट करो, आवाज़ इस वजह से थोड़ी बन बन सी आ रही है, नहा धो के फ़ौरन से फ्रेश होता हूँ और घर में बनी बिरयानी तो जल्दी से दिखाते हैं और खाते हैं, बहुत भूख लग रही है, पेट बिल्कुल अंदर गया, समझ रहे हो। हाँ तो यार अभी मैंने अपनी प्लेट जो बना ली है, अब जल्दी से फिनिश करते हैं क्योंकि खाना खाते वक्त बोलते नहीं है, और ऊपर से दाल भी, और ये जल्दी से खाना खा के आपको मिलते हैं, देन बाकी बातें आपको खाना खाने के बाद करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सब खाना शाना ख़त्म हो चुका है यार, अम्मी ने इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाई, स्पाइसी फुल जैसे कहते हैं ना, मतलब पसंद की, बड़ा मज़ा आया खाने का यार। बंदा वैसे एक बात है, जितनी भी बाहर की रेस्टोरेंट की आपकी पसंद की बिरयानी हो ना, उसका अपना अलग मज़ा है, घर की बिरयानी हो। ओए हो, आज चिकन की बिरयानी तो हमारे मतलब घर में कह सकते हैं ना कि हर दफ़ा ईद के पड़े दिन चिकन की बिरयानी बनती है, क्योंकि घर में मेरे और अबू के अलावा कोई बीफ खाता नहीं है, तो चिकन ही चलता है हमारे घर में। ईद छोटी ईद बड़ी ईद हम लोग बहुत कम खाते हैं, मैं खा लेता हूँ, ज़्यादातर वगैरह घर वाले नहीं खाते, तो अभी पसीने ये छूट रहे हैं, वीडियो में नज़र नहीं आ रहा, बकाया है देखने के लिए पसीने, बहुत गर्मी और गर्मी नहीं हुई मिर्चों की वजह से पसीने, तो अभी नहाने जा रहा हूँ मैं, तो नहा के। हाँ जी, सो अभी नहा धो के कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, ये देखें चेंज हो चुके हैं, तो अभी सीन है पप्पो के घर जाने का, तो आप सीधा निकलते हैं और पप्पो के घर जाके आपको मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, कपड़े चेंज हो गए। हाँ जी, ये क्या है? ये बिरयानी है। अस्सलाम वालेकुम। आज चुड़िया कितने इतनी देर बाद आया? मैं फैक्ट्री चला गया था, फैक्ट्री चला गया था, फैक्ट्री तो भंग गया भी, काम कर रहे थे। ये देखे पैट है, बिल्कुल ये देखे, फिर काम चेक करें बस। बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। खाने के बाद थोड़ा मीठा होना चाहिए, आइसक्रीम इसके लिए बेस्ट है। सो 8:30 का टाइम हो रहा है। हाँ सो गाइस, अब मैं यहीं पे जा रहा हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया, तो आपने एंजॉय किया होगा इस व्लॉग को, अगर नहीं किया तो करने की कोशिश करें। तो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो रिलैक्स करता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.